कौन किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की स्वागत लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य। ऐसा चरित्र कानों से सुनो जरा, छुप छाप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। महाराजा अधिराज कृष्णचंद्र राय पधार रहे हैं। परम प्रतापी, परम दयालु, सुविचारक महाराज कृष्णचंद्र राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। बैठिए बैठिए। कुछ दिनों से मैं सपना देख रहा हूँ कि मेरे कुल देवता मुझसे प्राप्य सम्मान चाहते हैं। यथा योग्य सम्मान नहीं मिलने से मेरे राज्य को छोड़कर चले जाने का डर दिखा रहे। वही सोचता हूँ क्या करूँ। यह तो बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्या किया जाए इस समय। इन सभी मामले में गोपाल बहुत बुद्धिमान है महाराज, इससे अच्छा है उससे ही पूछ कर देखें। हाँ सच में यह तो ठीक है, बताओ तो गोपाल क्या किया जाए। और क्या करेंगे महाराज, आप समस्त राज्य में घोषणा करवा दीजिए महाराज। राज्य के सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक लगातार जाप और 100 बार कृष्ण नाम का कीर्तन करेंगे, एवं प्रत्येक पूर्णिमा को प्रत्येक गृह स्वामी गीता पाठ, रामायण पाठ अथवा 8 पहर कृष्ण नाम का संकीर्तन करेंगे, और अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न वस्त्र धन दौलत दान करेंगे। क्या समाधान निकाला है आज तक आपने? हाँ क्यों, मेरी भूल कहाँ हुई है? चारों ओर केवल हरी हरी चिल्लाने से होगा। यह देखो तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है, मैं केवल चिल्लाने के लिए नहीं बोला हूँ, दीन दुखियों के लिए जेब से खर्च करने के लिए भी बोला हूँ। हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? गोपाल कुछ खराब नहीं बोला है। ठीक है, मैं सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर आदेश पालन का निर्देश देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, परम प्रतापी, परम दयालु, सुविचारक, कीर्तिमान, शांति प्रिय, प्रजावत्सल राजा महाराज कृष्ण चंद्र निर्देश दिए हैं कि स्त्री पुरुष समान रूप से प्रत्येक सुबह शाम लगातार जब तप के समय 100 बार कृष्ण नाम का जाप करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को अपने अपने घर में गीता पाठ, रामायण पाठ अथवा श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन एवं उसी के साथ साथ धन दान का आयोजन करेंगे, समझ गए? छी 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 छी, यह क्या बात है? महाराज कृष्णचंद्र कृष्ण भक्त हो सकते हैं? इसका मतलब सबको कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं, यही ना? हाँ यह सब तो ठीक है, यह जो परम काली भक्त रमापद साक्त अरनिक काली कराल बदनी पै पल्लव दायनी काली कय पल्ल दायनी
बोले बिना वह पानी नहीं पीता, वह क्या अंत में कृष्ण नाम जप करेगा। छी 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 छी, यह अन्याय है, महा अन्याय है। अन्याय नहीं, अन्याय नहीं, महापाप है यह। सुना हूँ यह नियम वह नाई गोपाल किया है, और महाराज तो केवल सील मोहर ही लगाए हैं। राजसभा में गोपाल ही सब कुछ है, महाराज गोपाल के हाथ की कठपुतली है, सब कुछ तो गोपाल करता है, महाराज केवल सील मोहर लगाते हैं। अब यही होगा, अंत में छोटी जाति के लोगों की बात मानकर चलना होगा। हो ही सकता है, जिसके पास अधिक बुद्धि होती है वही सिंहासन पर बैठता है। यह तो युगों का नियम है। दो दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराज यह नियम करेंगे कि ब्राह्मणों को गोपाल नाई के पाँव धोकर पानी पीना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग इसके विरोध में प्रतिवाद करेंगे और महाराजा के खिलाफ विद्रोह करेंगे। हाँ, देख लेना। नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे, इतनी जल्दीबाजी मत करिए आप लोग। इसका मतलब? मतलब तो सुनिए आप। ओम जवा कुष्म संखा संख कश्यपे, ओम जवा कुष्म संखा संख कश्यपे, ओम जवा कुष्म संखा संख कश्यपे, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। रुको, पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम तो ले लूं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। महामंत्री हवूचंद्र, राज्य में सब कृष्ण का नाम जप रहे हैं तो? हाँ महाराज, राज्य में सभी कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, यहाँ तक कि गोपाल भी अपना। यह तो बहुत आनंद की बात है। और आनंद की बात यह है कि काम से समय निकाल कर आप लोग मदन मोहन को भी एक बार पुकार लिया करें। वह कैसे? क्यों, जो आपका मदन मोहन है वही तो कृष्ण है, फिर वही तो गोपाल है। मक्खन चोर गोपाल, बात बात में गोपाल का नाम लेने से कृष्ण नाम का लाभ लेंगे, और क्या। प्रणाम महाराज, कुछ वृद्ध ब्राह्मण आपका दर्शन पाना चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों को अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। हठात राज्यसभा में ब्राह्मणों का आगमन। महामंत्री, राज्य में कोई अन्याय या अत्याचार हुआ है? नहीं नहीं महाराज। प्रणाम महाराज। क्या बात है ब्राह्मण देव? महाराज, कल रात में मैंने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न? कैसा स्वप्न, जरा बताएं। ठीक है, इस स्वप्न के बारे में हमें सोचना होगा। नहीं महाराज, यह बात नहीं है। स्वप्न देखा कि हम लोग सभी नगरवासी, यहाँ तक कि स्वयं आप भी, जो जहाँ अपने घर में नाम संकीर्तन कर रहा है, ठीक उसी समय हम लोगों के सामने स्वयं नारायण देव आ गए। हम लोगों का तिरस्कार किए और बोले, हे मूर्खों, जो अपने घर में हैं उनके लिए नाम संकीर्तन में कोई बाधा नहीं, किंतु जो रास्ते में यात्रा पर हैं वे कैसे नाम संकीर्तन करेंगे। वे भी नाम संकीर्तन कर सके, ठीक रास्ते रास्ते पर कुछ भगवान कृष्ण के मंदिर स्थापित करवाने की व्यवस्था करें, और इन मंदिरों के लिए एकमात्र अर्थ प्रदान करने वाली होंगी महाराज कृष्ण चंद्र राय की विधवा बुआ जी, एवं मेरे कथनानुसार उनके दिए गए अर्थ से अगर मंदिर तैयार नहीं हुआ तो, एवं मंदिर तैयार करने में कोई भी विलम्ब हो, तब यह नगर और नगरवासी संपूर्ण रूप से ध्वंस हो जाएंगे। हाँ महाराज, यही स्वप्न मैंने भी देखा। तब तो बहुत चिंता की बात है। कोई चिंता की बात नहीं है महाराज, मैं खुद जाकर आपकी बुआ जी से अर्थ लाऊंगा। क्या बुआ जी के पास पैसे नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या बात करते हो, बुआ जी के पास पैसे बहुत है, लेकिन बुआ जी बहुत कंजूस हैं,
आप उनसे पैसे नहीं ला सकते हैं लगता है। ठीक है, देखता हूँ। क्या मंदिर बनाने के लिए पैसे, वो भी 10-5 रुपए नहीं, पूरा पूरी 500 रुपए? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। लेकिन भगवान नारायण खुद स्वप्न दिखाए हैं। ए लो, इनकी बात सुनो, भगवान विष्णु का खा पी के काम नहीं है क्या, जो गांव के एरो गैरो नथु गैरो को सपने दिखा रहे हैं, जिसका पैसा है उसको नहीं। जाओ यहाँ से, नहीं देरी में पैसे, जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए बुआ जी, नहीं तो नगर ये ध्वस्त हो जाएगा। सब्जी बुआ जी, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब नारायण सपने में बताए हैं कि मंदिर बनाना है तो फिर सही सही समय बता देंगे कि गांव कब ध्वंस होगा, तब मैं वो समय सबको बता दूंगी, ताकि सब अपने बाल बच्चे उटली पुटली लेके कहीं और चले जाए और जाने में तकलीफ भी ना हो। और तुम भी कान खोल के सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान मनुष्य को जन्म दिए हैं उनके साथ लीला खेला करने के लिए, अगर सबको ध्वंस कर देंगे तो लीला खेला किससे करेंगे? हाँ, जाओ यहाँ से फटाफट निकलो, मुझे बहुत काम है, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। एक एक करके सभी तो गए, लेकिन क्या हुआ, अंत में हमारी ही बात सही हुई, पुण्य हस्ते प्रत्यावर्तन। हमारी बात तो आप लोगों ने सुनी नहीं, क्या करें, पहले ही कहा था, बुआ जी बहुत ही कंजूस हैं, यह नगर ध्वंस होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। है महाराज, एक रास्ता है। कौन रास्ता? गोपाल को बुआ जी के पास भेजिए महाराज, एकमात्र वही आपके बुआ से पैसा वसूल कर सकता है। आप लोग इतने विद्वान और प्रवीण होते हुए भी पैसा नहीं ला सके, हाँ? क्या पता गोपाल, नहीं नहीं यह असंभव है। क्या गोपाल नहीं ला सकेगा? महाराज अनुमति दें तो अवश्य लेकर आऊँगा। यही तो महाराज, गोपाल बोल रहा है मैं ला दूंगा, महाराज गोपाल बोल रहा है मैं ला दूंगा। अगर नहीं ला सका तो मूल्यवान समय नष्ट करने के अपराध में उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इतनी देर बाद मंदिर बनाने का तात्पर्य समझ में आया, मुझे मुश्किल में फंसाने की साजिश। रुको, ऐसा जाल में फंसाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। डर गए ना क्या? सोच रहा हूँ अगर पैसा लेकर नहीं आ सका तब तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, और अगर पैसा लेकर आ गया तब पुरस्कार में मुझे क्या इनाम मिलेगा? अगर तुम ला दिए तो मैं अपना बहुमूल्य अंगूठी और हार पुरस्कार में दूंगा। नहीं महाराज, आपसे उपहार में हीरे जवाहरात मोती बहुत पाया हूँ, इसलिए इस बार नया कुछ उपहार दें। नया उपहार मतलब? हाँ महाराज, नया उपहार। तो सुने, क्या तुम्हारा नया उपहार है? नया उपहार यही है कि महामंत्री को मेरा मान हानि करने के अपराध में दंड मिलेगा। वाह 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 वाह, काम न करने पर तुम्हारा मान हानि होगा, क्या बात करते हो। महाराज मैं वादा करता हूँ, अगर गोपाल आपके बुआ जी से 500 रुपए अदाय कर ले आएगा तो मैं पूरे सभा में कान पकड़कर उठक बैठक करूँगा, तब तो तुम्हारी मान हानि नहीं होगी। अब क्या और कुछ चाहते हो तो वो भी बोलो गोपाल। हाँ भाई, बचेगी बचेगी। तो महाराज अब मैं चलूँ? प्रणाम बुआ जी। गोपाल बता, तो फिर मेरा भतीजा कैसा है रे गोपाल? सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा तू? ठीक नहीं है बुआ जी, ठीक नहीं है। एक अर्जी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। अर्जी? कैसा अर्जी? देख गोपाल, कान खोल के सुन ले, मंदिर का पैसे मांगने आया है तो फिर डंडा उठा के मारूंगी, समझा? दूर दूर, मैं तो खुद परेशान हूँ और आप पढ़िए मंदिर के पीछे। तुझे
क्या हुआ है रे, बता। कल रात मेरे पेट में बहुत दर्द हुई और वैद्य जी आए थे और देखने के बाद बोले, बाबू तुम्हारा जाने का समय हो गया है। ये क्या, कहाँ? जमराज के घर। ये सुन के बहुत ही तकलीफ हो रही है। तेरा उम्र ही क्या हुआ है, घर में इतनी सुंदर नई नवेली दुल्हन है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को छोड़ के तू इतना जल्दी स्वर्गवास हो जाएगा। और मैं एक विधवा बूढ़ी अभी तक जिंदा हूँ, कृष्ण भगवान की इतना पूजा करती हूँ, उनको तेरे पे दया नहीं आती? नहीं नहीं बुआ जी, संसार में आपकी बहुत जरूरत है। कुछ दिन बाद मैं मर जाऊंगा और मरने से पहले चाहता हूँ कि अपनी बीबी बच्चों को आपके पास रख दूँ। क्या? क्यों? आप हमारे महाराज की बुआ हैं, आप बहुत धनवान हैं, आपके पास रहने से हमारे बीबी बच्चे भोजन बिना तो नहीं मरेंगे। हाँ बाप रे, एक नहीं वो भी तीन तीन, मेरा तो पूरा दिवाला निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगी। क्या बुआ जी, नहीं रखेंगी? नहीं गोपाल, कैसे रखूंगी मैं, रिश्ते में मैं तो राजा की बुआ हूँ, मगर मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब। मैं तो खुद ही सही से खा नहीं पाती, तो उसमें तेरा परिवार क्या रखूंगी? नहीं नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। ये हमारी अंतिम इच्छा है बुआ जी। माफ कर गोपाल, तेरे इस शेष इच्छा के वजह से मैं स्वर्गवास हो जाऊंगी। तेरी कोई और इच्छा हो तो बता, मैं सोचूंगी। बुआ जी, मेरी और एक अंतिम इच्छा है बुआ जी, मरने से पहले आपके हाथ से बना भोजन खा कर मरे। लेकिन गोपाल, मैं तो एक विधवा औरत हूँ और कृष्ण भक्त भी हूँ, मैं तो संपूर्ण निरामिष आहार खाती हूँ, क्या तू खाएगा? चलेगा चलेगा, खूब चलेगा। आपके हाथ से बना हुआ चावल, दाल, सब्जी, खीर, पनीर की सब्जी, मटर पनीर, आलू दम। तो फिर ठीक है, मैं तेरी पसंद का चावल, दाल, सब्जी, गोभी का सब्जी, पनीर का सब्जी, मटर का सब्जी और उसके साथ साथ तेरे लिए बनाऊंगी खीर। जरूर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। तो बुआ जी चलता हूँ। तो फिर दोपहर को आना। ओ लक्ष्मी, बन गया भोजन? जी हाँ जी, ला रहे हूँ। ये लीजिए, पकड़िए। वाह, बहुत अच्छा सुगंध है। तो चलता हूँ लक्ष्मी। हाँ ठीक से जाइएगा। जय माता जी, जय माता जी। बुआ, ओ बुआ, बुआ, ओ बुआ जी। बुआ जी खाना खा रही हैं। मुझे बोली हैं कि आप आइएगा तो घर में अच्छा से बिठाए। ठीक है, तब अंदर चलो। प्रणाम बुआ जी। आ आ गोपाल आ, देख मैं तेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाई हूँ और मैं खा ली हूँ, अब आ तू बैठ। बैठता हूँ बुआ जी। तो खाने के लिए चावल, दाल, खीर, पनीर की सब्जी, आलू दम, आहा जी ललच रहा है। तो फिर तू खाना शुरू कर, मैं हाथों के आती हूँ। सचमुच बुआ जी ना, आहा क्या स्वादिष्ट बनाई है, पनीर की सब्जी, आहा। खा ले, आराम से खा ले तू। खाऊं 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 खाऊं। पनीर की सब्जी खा के देख तो कैसा हुआ है। इसी को बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, और बुआ एकदम परास्त। सचमुच बुआ एकदम अमृत। क्या रे गोपाल, और कुछ लेगा तू? नहीं बुआ नहीं, और नहीं, और नहीं बुआ। अगर पेट में थोड़ी सी जगह रहती ना तो पनीर की सब्जी और खीर और लेता, जो बना है ना एकदम अमृत। क्या क्या बोला, पनीर झींगा? हाँ बुआ,
पनीर झींगा ना बहुत स्वादिष्ट है। क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है तू? वो तो सिर्फ पनीर का सब्जी था। बुआ जी विश्वास नहीं हो रहा है ना, एक काम कीजिए, आप अपने घर के नौकरानी को बुलाइए और इनको दिखाइए। नहीं 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 नहीं, इसमें दासी को बुलाने की क्या बात है, वो जाने दो ना। वो क्या है ना, तालाब के पानी से खाना बनाई थी ना, इसीलिए शायद पानी के साथ साथ झींगा मछली आ गया। पानी छान लेती तो अच्छा होता। तो फिर रहने दो ना बेटा, बाहर किसी को मत बताना। नहीं बुआ जी, नहीं नहीं, मैं मृत्यु पथ पर अग्रसर होने वाला पथ यात्री हूँ, अगर इस बात को छिपा लूँ तो मेरी क्या दशा होगी, जानती हो बुआ तुम? बोलो बोलो बोलो। अच्छा ठीक ठीक है, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। हाँ ना 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 ना, रिश्वत, झूठ बोलने के लिए रिश्वत, नहीं 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 नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। महाराज अगर पूछेंगे मैं आपके घर से क्या खा कर आया हूँ, तो मैं उनसे झूठ एकदम नहीं बोलूँगा। बुआ समझी? ये क्या पूरा सत्यानाश हो जाएगा मेरा, कोई उपाय निकाल गोपाल। ना 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 बुआ जी, ना ना, मत रहिए मत रहिए, रिश्वत लेकर झूठ नहीं बोलूँगा। आप हमें इतना प्रेम से स्वादिष्ट भोजन खिलाएं, तो क्या मैं आपके लिए रिश्वत लेकर झूठ नहीं बोलूँगा? बोलूँगा बोलूँगा जरूर। ठीक है तो फिर बता तू कितना लेगा? पूरे 1000 रुपए। हाँ ये क्या, इतने पैसे मैं कहाँ पाऊंगी गोपाल? मैं तुझे 100 रुपए देती हूँ गोपाल। 800। 200। 750। 250। 700। 300। 600। 400। अच्छा बुआ जी अब मैं चलता हूँ, महाराज के पास भी जाना है, घर भी जाना है। इस वक्त भतीजे के पास क्यों जाएगा बेटा? महाराज बोले थे घर जाते समय एक बार जरूर देखा करना, क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सब तो महाराज को बताना पड़ेगा। ओहो, गुस्सा मत हो बेटा, तेरा भी बात नहीं मेरी भी बात नहीं, एक काम करो 500 रुपए ले लो तुम। ठीक है दीजिए। दे रही हूँ। ये ले, पूरा पूरा 500 रुपए है, गिनना है तो गिन ले। यह क्या बोलती है बुआ जी, कुछ सामान्य रुपयों के लिए आप झूठ बोलेंगी? आप हमारे महाराज की बुआ है। चलता हूँ बुआ जी। चलता हूँ बुआ जी, चलता हूँ। हाँ 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 हाँ। सचमुच गोपाल तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, धन्य हो धन्य। महाराज मैं तो मंदिर बनाने के लिए 500 रुपए ला दिए, अब आप महामंत्री से कहें अपनी शर्त पूरी करें। जरूर जरूर, कहाँ है महामंत्री, शुरू करें शुरू करें। सबके सामने शर्त तो यही थी। गोपाल यह रहा तुम्हारे बुद्धिमानी का पुरस्कार। आहा, 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 आहा।